चार साल की बेटी की हत्या कर ममता को शर्मसार करने वाली सूचना सेठ को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में मासूम की हत्या करने वाली सूचना सेठ की कैब ड्राइवर ने उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बता दें ये कैब ड्राइवर वही है जिसकी गाड़ी में सूचना सेठ गोवा से कर्नाटका जा रही थी और उसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। कैब ड्राइवर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि सूचना सेठ गोवा से कर्नाटका के चित्रदुर्ग तक के सफर के दौरान बिल्कुल शांत थी, गाड़ी से बाहर नहीं आई सूचना। कैब ड्राइवर रिजान डिसूजा ने अपने बयान में बताया कि गोवा से कर्नाटका का सफर काफी लंबा है, इसलिए वह अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर गया। रिजान ने बताया कि सूचना के पास एक रेड कलर का बैग भी था जिसका वजन काफी ज्यादा था। जब उसने सूचना से इसके बारे में पूछा तो इस पर उसने बताया कि बैग में एंटीक और ग्लास का सामान है। ड्राइवर ने बताया कि पूरे सफर के दौरान सूचना बेहद शांत बैठी रही। उसने आगे बताया कि सुबह करीब 7 बजे वे गोवा कर्नाटका बॉर्डर पर नाश्ते के लिए रुके, लेकिन सूचना कार से बाहर नहीं आई और गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। बच्चे की लाश पर भी नहीं किया रिएक्ट। कैब ड्राइवर के मुताबिक पुलिस ने जब उनकी गाड़ी को रोका और अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहां जाकर जब पुलिस ने वही लाल बैग खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बैग में कपड़ों के नीचे मरे हुए बच्चे का हाथ नजर आया। बैग में बच्चे का शव देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, लेकिन वही बच्चे की माँ सूचना सेठ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में गोवा के 4 साल के बच्चे की हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बच्चों की हत्या करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी मां पर ही लगा है। पुलिस इस मामले में लगी हुई है। मामले को लेकर रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लेकर कुछ पूछताछ भी कर रही है।